एक ही सिक्के के दो पहलू, एक साथ में एक नाल खाते। विधानसभा में एससी और एसटी हुई और आप जानते हैं एससी एसटी जहां पहुंच गया वहां नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप इस वक्त अपना आरएनएफ न्यूज के साथ। रजत दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी के रूप में देवरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम सीधे इनसे मुखातिब होंगे। भाई साहब, जो आप सघन जनसंपर्क आपका चल रहा है, क्या रुझान है? धन्यवाद आपका और धन्यवाद करता हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, जिन्होंने मुझे यहाँ विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गठन पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, तो इस बार देवरी विधानसभा में गोंडवाना गठन पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आई, क्योंकि वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, एक साथ में एक नाल खाते। आज वर्तमान में देवरी विधानसभा सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है सागर जिले में। बुनियादी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड, नाली, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों को लेकर मैदान में उतरे हैं और बहुत अपार जनता का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से आगामी 17 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 तारीख को जब वोटिंग खुलेगी, तो तीसरे विकल्प के रूप में गोंडवाना गठबंधन पार्टी जीत कर यहाँ से आएगी। आपके जो 5 ऐसे मुद्दे जो जीतने के बाद क्षेत्र के लिए आप जो कार्य करेंगे? सबसे प्रथम मुद्दा हमारा ये है कि जो केसली ब्लॉक है, ये बोलचाल में तो आदिवासी ब्लॉक है, लेकिन ना यहाँ के नेताओं को फिक्र है तो वो ये आदिवासी क्षेत्र घोषित करवाएं, ताकि यहाँ की जनता को 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पैसा इसका लाभ मिल सके। और ना यहाँ के जब नेताओं को फिक्र नहीं है तो पदाधिकारियों को क्या फिक्र होगी। और उसके साथ साथ जितने भी आदिवासी ग्राम हैं, वर्तमान समय में हमें देखने में आया है कि आदिवासी ग्राम में ही केवल रोड की नहीं पहुँचा है, बाकी अधिकांश ग्रामों में रोड पहुँच चुका है और यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास रहते हैं। तो निश्चित रूप से देवरी विधानसभा में रोड की काफ़ी कमी है। और दूसरा, पानी की जो व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना है। और किसानों के लिए 24 घंटे बिजली, वर्तमान समय में कहने को 10 घंटे मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो 4 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है, वो भी किस्तों के रूप में। ऐसे में किसान परेशान हो रहा है, ना सिंचाई कर पा रहा है, ना उसकी फसल उग पा रही है। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? ये हमारी जो सड़क पदाधिकारी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ निश्चित रूप से समर्थन होगा। किसी ने जिसकी भी सरकार बनेगी इस बार, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी का उसमें भागीदारी रहेगी और अब ये ऊपर की टीम डिसाइड करेगी। जी, बाहुल्य क्षेत्र है, कैसा क्या समर्थन लोगों का मिल रहा है यहाँ से आदिवासियों का? वर्तमान समय में जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है, तो आदिवासी भाइयों के साथ साथ जो एससी वर्ग है, निश्चित रूप से वो हमारे साथ। और सबसे बड़ी ताकत है विधानसभा में एससी और एसटी हुई और आप जानते हैं एससी एसटी जहाँ पहुँच गया वहाँ, अब ये जनता के ऊपर है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जीत निश्चित है। रजत दीवान जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैदान में उतरे हैं, तो आज की हमारे चुनाव पर इसका समय इतना ही।